हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी अबाउट फैशन। मैं हूं आपकी दोस्त निशा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसे ड्रेसेस दिखाऊंगी किड्स की, जो कि मैंने साड़ी से रीयूज करवाई है। मैंने अपनी बेबी गर्ल के लिए दो ड्रेसेस बनवाई है साड़ी से। आपने थंबनेल में देखा होगा, एक मैंने लहंगा बनवाया है बनारसी सिल्क साड़ी से और एक मैंने शरारा ड्रेस बनवाई है। तो चलिए हम देखते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फर्स्ट ड्रेस में मैंने एक नेट की साड़ी को रीयूज करा है। मैंने अपनी बेबी गर्ल की नेट की साड़ी से ये क्रॉप टॉप एंड शरारा ड्रेस बनवाई है। आप देख रहे होंगे कि इस टाइप का मैंने ये क्रॉप टॉप बनवाया है। इस पर मैंने गोटा पत्ती की लेस लगवाई है, वी नेक से क्रॉप टॉप लगवाया है, और इसके जो नीचे के पोर्शन पे भी मैंने इसके कमर पे भी लेस लगवाई है। तो ये क्रॉप टॉप मैंने बनवाया है और उसके साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैंने शरारा बनवाया है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा शरारा मैंने बनवाया है। उसके शरारा में भी बॉटम में मैंने गोटा पत्ती की लेस लगवाई है। ये एक नेट की साड़ी थी, तो ये शरारा ड्रेस मैंने बनवाया है। उसके साथ मैंने प्यारा सा ये नेट का जैकेट बनवाया है। ये नेट का जैकेट आप देख रहे होंगे कितना सुंदर है, फुल स्लीव्स का नेट का जैकेट बनवाया है। मैंने उसे ये नीज तक आता है, तो ये मटेरियल मैंने अलग से परचेस करा था। ये डेढ़ मीटर मटेरियल मैंने परचेस करा था। ये 200 रुपीज मीटर का मटेरियल मैंने मार्केट से परचेस करा था, और इस ड्रेस के साथ मैंने उसके साथ पेयर करा है। काफी सुंदर ड्रेस लग रही है। तो और ये टेलर ने मुझे 500 रुपीज में स्टिच करके दे दिए। तो और आप इस ड्रेस के जो क्रॉप टॉप है और इसका जो मतलब जैकेट है, मैं बाद में भी उसे बहुत सारे ड्रेसेस में यूज कर सकती हूँ। ये क्रॉप टॉप में लहंगे पे अगर आपको उसे साड़ी पहनाना है उस पे, तो मैं उसे बहुत सारी चीज में इसे रीयूज कर सकती हूँ। तो ये ड्रेस मैंने उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस मैंने स्टिच करवाई है। गाइस, सेकंड ड्रेस मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक लहंगा बनवाया है। मैंने सिल्क की साड़ी को रीयूज करवाया है। मैंने मेरी जो मदर की सिल्क की साड़ी थी उससे उसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा बनवाया है। तो मैंने उसकी जो चोली है, ये देखिए, लेस से बनवाई है। उसकी जो ब्रॉड चोली ब्रॉड लेस थी उससे मैंने ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि इस टाइप से मैंने ओनली लेस के मटेरियल से उसकी चोली बनवाई है, कट स्लीव्स की, और पीछे इसमें चेन डलवाई है। तो ये बहुत ही प्यारी सी चोली मैंने बनवाई है उसकी, और उसके साथ उसका जो साड़ी का बीच का मटेरियल था उससे मैंने ये स्कर्ट बनवाया है। ये बहुत ही सुंदर सा स्कर्ट मैंने उसका रीयूज करा है। आप देख रहे होंगे कि कितना प्यारा लहंगा ये लग रहा है। उसके जो कमर पे भी मैंने लेस लगवाई है और नीचे भी मैंने लेस लगवाई है। फ्रेंड्स, इस लहंगे में ज्यादा घेर नहीं आया है, क्योंकि मेरी मम्मा ने कुछ साल पहले ही इस साड़ी की जो बॉर्डर थी उसे किसी और साड़ी पे ट्रांसफर करवा ली थी। तो ये जो साड़ी है उसमें जितना भी बीच में थोड़ा सा मटेरियल बचा था, तो उससे मैंने लहंगा बनवाया, और इसी मटेरियल से मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज भी बनवाया है। तो अगर आप उस ब्लाउज की डिजाइन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो मैं वो वीडियो भी आपको बना दूंगी कि मैंने इस साड़ी से अपने ये बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बनवाया, जो कि मेरी मदर इन लॉ की साड़ी पे मैच हो गया था। तो मैंने मेरी और मेरी बेबी की सेम ड्रेस कैसे मैंने रीस्टाइल करी है, तो अगर आप वो चीज देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ये मैंने मेरी मदर की शादी की साड़ी से ये लहंगा बनवाया है। ये 30 साल पुरानी साड़ी थी उनकी, से ये मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा बनवाया है। आप देख रहे होंगे कि इसकी चोली और इसकी लहंगा कितना प्यारा है, और मैंने इसमें एक नेट का दुपट्टा बनवाया है। ये दुपट्टे से उसका बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। ये देखिए, मैंने उसका नेट का दुपट्टे पे पतली सी लेस लगवाई है, और उसमें इसमें मैंने एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक करी थी। मैंने क्या करा था कि इस नेट के दुपट्टे में छोटी छोटी प्लीट्स लेके, ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि इस टाइप से मैंने उसे स्टिच कर लिया था, जिससे कि बहुत ही प्यारा लुक आया था। और मैंने नीचे से भी इसे इस टाइप से स्टिच कर लिया था, जिससे कि उसने इस टाइप से डाला था।
और मैंने उसके ऊपर एक ब्रॉच लगा दिया था, काफी सुंदर लहंगा लग रहा था। और ये लग ही नहीं रहा था कि मैंने पुरानी साड़ी से उसे रियूज करा है। तो ये दोनों ड्रेस मैंने डिजाइन करी है फ्रेंड्स। और वो जो नेट की साड़ी की ड्रेस मैंने आपको बताई है, मैं उसका भी ब्लाउज डिजाइन करवाना चाहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसका भी ब्लाउज डिजाइन देखिए, तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और मैंने मेरी मतलब मदर इन लॉ की साड़ी और मेरी मदर मदर की साड़ी से ये लहंगा बनवाया है। तो उसे मैंने बहुत ही प्यारी तरीके से एक वेडिंग में री स्टाइल करा था, जिसमें मैंने और मेरी डॉटर ने मैचिंग ड्रेस पहनी थी। तो अगर आप वो चाहते हैं कि मैं उसका भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ये था फ्रेंड्स मेरा साड़ी रियूज वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और एक लाइक तो जरूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।